साधारण नागरिक हूँ, मैं तोता रटाया हुआ किसी मीडिया का आदमी नहीं। आप अपनी व्यवस्था को ठीक कीजिए, अभी भी हो सके तो कम से कम प्राइवेट एजेंसी से लेडीज का अलग लाइन क्रिएट कीजिए, जेंट्स का अलग लाइन क्रिएट कीजिए। बिहार में कोरोना का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। संक्रमित मरीज आए दिन पाए जा रहे हैं। बीते दिन रिकॉर्ड तोड़ 4000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए, तो वहीं दूसरी तरफ अब लोगों में जागरूकता को लेकर के भी कमी दिख रही है। एक तरफ पूरे भारत में लॉकडाउन जैसा माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि दूसरे राज्य जैसे भोपाल और महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी स्थिति पूरी तरीके से लगा दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बिहार में 17 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। ये तस्वीर पटना के गार्डन रोड स्थित अस्पताल की है, जहां पर लोगों की कतार लगी हुई है कोरोना टेस्ट कराने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है और उसके बाद सरकार ने चुप्पी साध रखी है। इस विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग कतार में खड़े हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग हो रहा है और ना ही किसी अदर गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसे चीज़ों का यहाँ नामो निशान तक नहीं दिखा। लोग भी गुस्सा करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि राजधानी में करीब 1200 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिनमें 16 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच स्वास्थ्य व्यवस्था का इस तरह से चरमरा जाना, ये दिखाता है कि कोरोना से लड़ने में अभी बिहार को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी बाकी है। सोशल डिस्टेंसिंग के बाद जो सिस्टमेटिक नंबर था वो गया कहाँ? अगर आप 6 फीट के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 139 नंबर मेरा लिए होते तो शायद मेरे मोबाइल नंबर से, मेरे आधार नंबर से और मेरे नाम से ये पूरा गैदरिंग और एनार्की क्रिएट नहीं होता। तो मैं फिर निवेदन करता हूँ सिविल सर्जन बिहार से, स्वास्थ्य सचिव बिहार से, मुख्यमंत्री बिहार से कि मैं एक साधारण नागरिक हूँ, मैं तोता रटाया हुआ किसी मीडिया का आदमी नहीं। आप अपनी व्यवस्था को ठीक कीजिए, अभी भी हो सके तो कम से कम प्राइवेट एजेंसी से लेडीज का अलग लाइन क्रिएट कीजिए, जेंट्स का अलग लाइन क्रिएट कीजिए।